रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले दो ही फिनोमेना हमने स्टडी करने हैं, एक रिफ्रैक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सिंपल है। तो पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबको मालूम है, रे ऑफ लाइट आई और रेयर से डेंसर आई, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये लॉ है रिफ्रैक्शन का, डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। दो चीजें हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज क्या सीखना है, स्नेल्स लॉ। इसके बिना तो रिफ्रैक्शन चल ही नहीं सकती, हालांकि हमने एक बार पहले किया हुआ है, फिर भी एक बार करते हैं। तो सबसे पहले कैसे अप्लाई करना है रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आपके पास अगर मान लो दो मीडियम है, एक आपके पास रेयरर मीडियम है और एक आपके पास डेंसर मीडियम है, और मान लो लाइट आती है एंटर करती है यहां पे और ये क्या है इसका नॉर्मल है, तो रे ऑफ लाइट जब इसमें से एंटर करेगी तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी, सच दैट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई और ये रिफ्रैक्शन क्या है आर। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर यहां पर कुछ ना गिवन हो तो बाई डिफॉल्ट यहां पर क्या होता है एयर, तो रेयरर विद रिस्पेक्ट टू एयर, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्नेल्स लॉ ऐसे लगेगा, म्यू ऑफ आर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ डी इनटू साइन ऑफ कितना है आर। तो म्यू आर इनटू साइन आई, म्यू डी इनटू साइन आर। तो यहां से साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर विल बी इक्वल टू म्यू डी डिवाइडेड बाय म्यू राइट, क्लियर है यहां तक। और यहां से इसको कंबाइन करना है तो कंबाइन इस तरीके से करना है कि सच दैट म्यू डेंसर ऊपर है, डेंसर नीचे आएगा, रेयरर नीचे है, रेयरर ऊपर आएगा। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डेंसर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम रेयरर। तो डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक। तो इसको कैसे रीड करना है, क्लियर है। तो अगर मैं ये बोलता हूं दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको ब्रेक कैसे करना है, ब्रेक ऐसे करना है वाटर नीचे है वाटर ऊपर आएगा, ग्लास ऊपर है ग्लास नीचे आएगा, और ये बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड एयर माना जाएगा। तो क्या ये पहला रूल क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो काफी जगह ये स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशन लगाएगा। जैसे ये तो एक एप्लीकेशन है ही, एप्लीकेशन क्या है, तो है ही स्नेल्स लॉ। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास स्लैब लेके दिखाएगा, जैसे मान लो एक ग्लास स्लैब है, ये आपके पास ग्लास स्लैब है, वो कहेगा ठीक है जी ये ग्लास स्लैब है, इसमें से रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, ये क्या है इसका नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट ये बेंड हो गई, ये क्या है इसका नॉर्मल है, और रे ऑफ लाइट बाहर निकल गई। तो इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है R, ये R है तो बाय अल्टरनेट एंगल ये भी R है, और ये एंगल क्या है E, E और I एक ही बात है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एमरजेंस एक ही बात होती है, ऐसे ही है। तो ये क्या है म्यू ऑफ एयर, ये क्या है म्यू ऑफ ग्लास, ये क्या है म्यू ऑफ एयर। तो पहला स्नेल तो यहां पर लग सकता है, क्या लगेगा म्यू ऑफ एयर इन टू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ग्लास इन टू साइन ऑफ आर, ये ना। और दूसरा यहां पे लग सकता है रे ऑफ लाइट आ रही है और ऐसे जा रही है मान लो, तो म्यू ऑफ जी इन टू साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए इन टू साइन ऑफ अगेन आई, ये ना, ठीक। तो यहां से रेशियो क्या आएगी, साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए, इक्वेशन नंबर वन। और यहां से रेशियो क्या आएगी, साइन आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ जी, इक्वेशन नंबर टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को मल्टीप्लाई कर लूं, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से, इसका राइट इसके राइट से, तो लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो कट ही जाएगा, साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर। तो क्या आएगा, म्यू ऑफ जी म्यू ऑफ ए
म्यू ऑफ ए, म्यू ऑफ जी, ठीक। तो या ऐसा कर सकते हैं, इसके आगे वन इज इक्वल टू, इसको क्या लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्लास नीचे एयर ऊपर, ग्लास नीचे एयर ऊपर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एयर नीचे ग्लास ऊपर, एयर नीचे ग्लास ऊपर। तो यहां से रिजल्ट बन गया कि म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब ये इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, ना तो एनसीईआरटी में कोई भी नहीं पूछ रहा आपसे, बस ये रिजल्ट आप लिख सकते हो कहीं लिखना है। और ये भी शायद आपको पता ही होगा, टेंथ क्लास में भी कराया जाता है। वो क्या कि अगर आपको एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं देता हूँ वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 3/2, तो बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, 2/3। यही रिजल्ट यही बता रहे हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा कि अगर मैंने इनको चेंज कर दिया नंबर्स को, डब्ल्यू जी की जगह जी डब्ल्यू की जगह, तो ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या ये रिजल्ट याद रहेगा? तो आज के बाद इन इंडेक्स को मैं चेंज करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल कर देना, बस ये रिजल्ट है और कोई रिजल्ट नहीं है इसमें। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?